ये कहानी साक्षी नाम की लड़की की है। वो समय कॉलेज में पढ़ती थी। एक रात वो एक पार्टी में गई। उधर वो एक लड़के से मिली जिसका नाम पीयूष था। उस पार्टी में वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। पीयूष साक्षी के लिए ड्रिंक्स लाया और उसे अपने घर पे इनवाइट किया, लेकिन साक्षी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बहाना मार के अपने घर पे वापस आ गई। लेकिन जब वो अपने घर पे पढ़ रही थी तभी अचानक से वो बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया और तब उसे पता चला कि उसने जो ड्रिंक पी थी उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी और ये पीयूष का ही काम था। साक्षी ने पुलिस को इस बारे में बताया और तब उसे एक ऐसी बात पता चली जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। पीयूष एक कैनिबल था। उसके अपार्टमेंट से बहुत सारे लड़कियों की लाशें मिली। उन लाशों में से काफी सारा मीट भी गायब था जिसे पीयूष ने खाया था। पीयूष को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन साक्षी आज भी ये सोचती है कि अगर वो उस रात पीयूष के घर चली जाती तो उधर उसकी भी लाश होती।